वेलकम गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और आज तीन और एप्लीकेशन हम पीएन जंक्शन डायोड की डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर और सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा इसके बाद, और रिवीजन पर हम जल्द लौट कर आएंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। लौट कर आने का मतलब कोई बड़ा गैप नहीं, एक या दो दिन में हम रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। तो आज पीएन जंक्शन डायोड की और एप्लीकेशंस मैं आपको बताने वाला हूं, कौन सी एप्लीकेशंस आप ऑलरेडी जान चुके हैं। वो एप्लीकेशंस हैं, आपने रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। जो एप्लीकेशन है किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की, के रेक्टिफायर का यूज किया जाता है किसको, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ एक दो एप्लीकेशंस और हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सुंदर हैं, इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, और उन्हें जानते हैं। और नंबर एक एप्लीकेशन ये है, रेक्टिफायर के बाद जो एप्लीकेशन एक और पढ़नी है पीएन जंक्शन डायोड की, तो पीएन जंक्शन डायोड यूज एज एलईडी। एलईडी बनाया जाता है, एलईडी लाइट्स पढ़ते हैं आप, एलईडी लाइट्स आती हैं, एलईडी टीवी हैं, एलईडी बल्ब होते हैं छोटे छोटे, तो रिमोट में, रिमोट है तो रिमोट के आगे एलईडी लगा होता है, इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से एलईडी बनाए जाते हैं, और एलईडी का मतलब था लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड, तो एक ऐसा डायोड जो लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा। तो लाइट एमिट करेगा ऐसा डायोड है ये, और ये डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड है। तो इट इज अ, इसमें लिख लीजिएगा डेफिनेशन, इट इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। इट इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। इट इज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड डायोड which converts electrical energy into light energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम एलईडी करता है। इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस वे, तो इसे ऑपरेट किया जाएगा, इसकी ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये लाइट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करेगा, और इट इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, इसे फॉरवर्ड बायस में लगाया जाएगा, तब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये किस तरह की बात थी कि एक्चुअली अगर एक पीएन जंक्शन डायोड की बात की जाए, तो ये पीएन जंक्शन डायोड है इस तरह से, और इसमें एक पी रीजन होता है और एक एन रीजन होता है। तो इस तरह से एक पी रीजन होता है और एक एन रीजन होता है, और पी और एन के बीच में एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है, एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ये पी साइड है, ये एन साइड है, यहां पर होल्स मेजॉरिटी में हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं एन में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो एन के अंदर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इस जंक्शन को जंप नहीं कर पा रहे। जब इस जंक्शन को जंप नहीं कर पाते हैं ये, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं आ पा रहे हैं, कोई सर्किट में करंट नहीं है। लेकिन जब पी को बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट किया जाता है और एन को नेगेटिव पर कनेक्ट किया जाता है, मिली एम्पियर में करंट होगा। और जब एन पर नेगेटिव को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे आना चाहेंगे,
ये होल्स आगे आना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको जंप कर पाएगा अगर अगर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इस बैंड गैप से ज्यादा है। इस डिप्लीशन रीजन को पार करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, एनर्जी बैंड गैप है ये, यानी एनर्जी का गैप है कि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो इस जंक्शन को जंप कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे लाइट की फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेंगे, तो ऐसा होने पर ये लाइट को एमिट करेंगे फोटोन की फॉर्म में, ये एनर्जी रेडिएट करेंगे एक फोटोन की फॉर्म में, तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी इन्होंने रेडिएट करी होगी। फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू होगी नियरली इक्वल टू एनर्जी गैप के बराबर होगी, फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू होगी और एनर्जी गैप के बराबर होगी। तो इस तरह से एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसे फॉरवर्ड बायस में लगाया गया है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब जंक्शन को क्रॉस करते हैं रिकम्बाइन होते हैं तो लाइट की फॉर्म में वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी और वो लाइट जो होगी फोटोन है एक तरह से, उस फोटोन की कुछ फ्रिक्वेंसी है, कुछ वेवलेंथ है, तो अलग अलग कलर की फोटोन निकल सकते थे क्योंकि फोटोन की एनर्जी एच न्यू है और वो एनर्जी गैप के बराबर है, मतलब जितनी एनर्जी इस जंक्शन को जंप करने के लिए चाहिए, डिप्लीशन रीजन को जंप करने के लिए चाहिए, उतनी ही एनर्जी का फोटोन निकलेगा और इसीलिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट रिलीज हो सकती है। इस केस में डिपेंड करता है कि ये एनर्जी का गैप कितना रखा गया, एनर्जी का गैप डोपिंग पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा डोपिंग करोगे एनर्जी का गैप उतना ही कम रहेगा। तो इस तरह से बार बार ना बनाना पड़े इस पीएन को, इसीलिए एक सिंबल होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एलईडी का सिंबल बताइए, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल बताइए, तो एक पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उस पीएन जंक्शन डायोड पर इस तरह से लाइट का सिंबल बना दीजिए भाई, एरो बना दीजिए, मतलब ये लाइट को इस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है, ये सिंबल एक एलईडी का है, ये सिंबल है एक एलईडी का, एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कर पा रहा है, जब फॉरवर्ड बायस में एक पीएन जंक्शन को लगाया गया तो एनर्जी का कुछ गैप था जिसे इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते जब तक आप बायसिंग नहीं करेंगे। जब आप बैटरी लगाएंगे तो बायसिंग होने पर इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को जंप कर पाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को जंप कर पाएंगे तो वो एनर्जी लेकर जब जंप करेंगे और होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे तो लाइट की फॉर्म में उस एनर्जी को रेडिएट करेंगे और लाइट एमिटिंग डायोड बना। इस तरह के सिंबल के अलावा इस सिंबल पर इस तरह से सर्कल भी बनाया जा सकता है, सर्कल भी बनाया जा सकता है और इस तरह से लाइट का ये सिंबल दिखाया जा सकता है कि लाइट रिलीज करता है ये, इसे एक एलईडी कहा जाता है। तो ये एक एलईडी का सिंबल है, ये यहाँ पर एक एलईडी का सिंबल है कि इस तरह से भी लाइट एमिटिंग डायोड को दिखाया जा सकता है, इस सिंबल से भी लाइट एमिटिंग डायोड को दिखाया जा सकता है एक एलईडी को। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस तरह से बनावट जो होती है, यानी जब आप कोई एलईडी खरीद कर लाओगे तो उसमें पी को कैसे पहचानोगे और एन को कैसे पहचानोगे, तो एक एलईडी जो बाजार से खरीद कर आप लाओगे, किसी शॉप से खरीद कर लाओगे एक एलईडी को, तो उस एलईडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे पहचाना जाएगा, तो उस एलईडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव को किस तरह से पहचाना जाएगा,
तो यहाँ पर इस तरह से एक शेप होती है एलईडी की, और इसके अंदर बना होता है इस तरह से, अंदर सेमीकंडक्टर के जंक्शन होते हैं इस तरह से कि इस तरह से अंदर एन टाइप और पी टाइप बनाए गए हैं। पी कौन सा है और एन कौन सा है ये पहचानने के लिए आपको इसमें इस बात को जानना होगा कि कौन सी ऐसी बात होती है जिससे पी और एन को पहचाना जा सकता है। तो इससे जुड़ी हुई ये इलेक्ट्रोड है, वायर बनी हुई मिलेगी आपको, और इसी के साथ इस तरह से एक और यहाँ पर दूसरा पार्ट होता है सेमीकंडक्टर का। तो ये दूसरा पार्ट होता है सेमीकंडक्टर का इस तरह से, इनके बीच में कुछ गैप होता है। तो ये पी एन जंक्शन डायोड है, बहुत नजदीक है ये, और इनके बीच में इस तरह से थोड़ा सा गैप होता है, और ये वायर थोड़ी सी छोटी होती है इस तरह से। तो ये वायर थोड़ी सी छोटी होती है इस तरह से, जो ये लेंथ जिसकी ज्यादा है, ये पी टर्मिनल था, ये पॉजिटिव पर जाएगा, ये एनोड बनेगा, ये बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट किया जाता है, ये एन साइड है, ये नेगेटिव पे कनेक्ट होगी और ये कैथोड बनेगी। तो यहाँ तो पेयर दिखाई दे रहा है, ये पी वाली साइड है, ये पॉजिटिव पर कनेक्ट की जाएगी, ये एन वाली साइड है, ये नेगेटिव पर कनेक्ट की जाएगी, ये पी वाली साइड है पॉजिटिव पर जाएगी, एन वाली साइड नेगेटिव पर जाएगी, तभी तो एक डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा ये पीएन जंक्शन डायोड। तो इस स्पेशल टाइप के पीएन जंक्शन डायोड को, यानी बनावट इसकी सिंपल है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनाया गया था सिंपली उस तरह से इसे बनाया गया है। तो इस पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में लगाया गया, इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी लेकर जंक्शन को जंप करेंगे तो उसे लाइट में कन्वर्ट करेंगे और वो लाइट एनर्जी दिखाई देगी आपको। तो ये लाइट इस तरह से प्रोड्यूस कर सकता है, लाइट एमिटिंग डायोड है ये। सिंबल किस तरह से काम किस तरह से करता है ये बताया आपको, सिंबल क्या यूज किया जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो बैंड गैप होता है कि भाई इस जंक्शन को जंप करने के लिए, जंक्शन को जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बैंड गैप कहलाता है। जैसे वैलेंस से कंडक्शन में जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी, ऐसे ही जंक्शन को जंप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी, उसे एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, क्योंकि इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, और उतनी ही एनर्जी का फोटोन या उससे थोड़ी सी कम एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है, जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी जंप करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, बैंड गैप जितना है उतनी ही एनर्जी फोटोन की फॉर्म में लाइट में रिलीज होती है, लाइट की फॉर्म में दिखाई देगी आपको। तो उस फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ लाइट होगी, यानी बैंड गैप अलग अलग रखकर, अलग अलग बैंड गैप की वैल्यू रखी जाए डोपिंग से, डोपिंग कितनी की है इस पे डिपेंड करता है कि बैंड गैप कितना होगा, और बैंड गैप की अलग अलग वैल्यू रखकर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर के एलईडी बना सकते हैं। तो अलग अलग कलर के आप एलईडी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस केस के अंदर। तो इस ग्राफ की बात करेंगे तो यहां पर वी आई का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे फॉरवर्ड बायस में, जैसे पी एन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस वाला केस पढ़ा था हमने, वैसे ही पीएन जंक्शन का ये एलईडी कुछ और नहीं, एक पीएन जंक्शन है, पी पॉजिटिव पर एन नेगेटिव पर फॉरवर्ड बायस हो गए ये। फॉरवर्ड बायस में ग्राफ कैसा बन रहा था वो देखें भाई आप, वाई एक्सिस पर करंट लिया गया है मिली एम्पियर में और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ली गई है वोल्ट में। तो एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ली गई है वोल्ट में और वाई एक्सिस पर करंट की बात करेंगे मिली एम्पियर में। तो आपको याद आएगा इस तरह से, आपको ये बात याद आएगी कि जब हम बात करते हैं इस एक पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ग्राफ किस तरह का आता है,
कि भाई जब तक बैरियर पोटेंशियल के बराबर बैटरी नहीं लगाओगे, जब तक बैरियर पोटेंशियल के बराबर बैटरी नहीं लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर सकते हैं। तो क्या था ये ग्राफ, जीरो 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 रहता है, फिर एकदम से ऊपर चला जाता है ये ग्राफ इस तरह से। तो ये ग्राफ इस तरह से एकदम से ऊपर जाता है जीरो जीरो पर रहने के बाद, मतलब जब तक जो बैटरी है, जब तक जो वोल्टेज है, जब तक जो वोल्टेज है वो वोल्टेज की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो जाती। तो यहां पर ये ओरिजिन ओ, पोटेंशियल जीरो, करंट जीरो, जब तक पोटेंशियल की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो जाती कोई करंट नहीं होगा, और बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगी जैसे ही वोल्टेज, वैसे ही सर्किट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करने लगेंगे, सर्किट में करंट होगा इस तरह से। तो ये करंट और फिर एकदम से बढ़ता है, वोल्टेज के बढ़ने से करंट फिर बढ़ता है तेजी से। तो इस तरह का ग्राफ आया, और ये कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज थी, 1 वोल्ट से भी कम थी। इस पर जो लाइट निकलती है वो इंफ्रा रेड लाइट निकलती है भाई, तो वो इंफ्रा रेड लाइट निकलती है इस तरह से। थोड़ी सी अगर बैंड गैप थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता, अगर बैंड गैप को थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता, तो अब थोड़ी ज्यादा वोल्टेज चाहिएगी करंट को स्टार्ट करने के लिए, और इस केस में रेड कलर की लाइट निकलेगी। अलग अलग कलर के एलईडी बनाने के लिए बैंड गैप अलग अलग रखना जरूरी है, और इसके बाद अगर और ज्यादा बैंड गैप रखा जाता तो अम्बर कलर होता है उस कलर की एलईडी बनाया जा सकता था। और ज्यादा बैंड गैप रखने पर विबग्योर बनाने की कोशिश कीजिए इस तरह से, तो येलो कलर की लाइट निकलती, येलो कलर का एलईडी बन सकता था। तो और ये विब ब्लू ग्रीन कलर की लाइट निकल सकती है, उसके बाद यहाँ पर विबग्योर में ब्लू निकल सकती थी लाइट वही, और काफी ज्यादा बैंड गैप रखोगे तो व्हाइट कलर की लाइट निकल सकती है, यानी व्हाइट कलर का एलईडी बनाया जा सकता है। तो आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि भाई ब्लू कलर के एलईडी में और व्हाइट कलर के एलईडी में किस में बैंड गैप की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा वोल्टेज चाहिए भाई, ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन जंप करने के लिए, किसके केस में, व्हाइट के केस में, जो जितनी देरी से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ उसमें बैरियर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जंक्शन को जंप करने के लिए, और उतने ही ज्यादा एनर्जी का फोटोन होगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी एनर्जी और अलग अलग कलर की लाइट बन निकलेगी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ, यानी अलग अलग कलर की लाइट रिलीज होती है, ये बात बैंड गैप पे डिपेंड करती है। तो बैंड गैप अलग अलग सिलेक्ट कर आप अलग अलग डिफरेंट कलर के एलईडी बना सकते हैं इंफ्रारेड। तो जो रिमोट के अंदर लगा हुआ एलईडी होता है वो इंफ्रारेड प्रोड्यूस करता है, इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करता है, जो आप रिमोट से टीवी के या एसी के सिग्नल्स को चेंज करते हैं, चैनल्स को चेंज करते हैं इस तरह से। तो ये एक एप्लीकेशन आप अच्छे से जान पाए होंगे, ये एक एप्लीकेशन आप अच्छे से जान पाए होंगे कि पीएन जंक्शन पर बेस्ड ये एक मैंने आपको जो डिवाइस बताया है और ये एप्लीकेशन थी पीएन जंक्शन की। तो रेक्टिफायर पढ़ा था, रेक्टिफायर के बाद हमने जान लिया है किसको, एलईडी को, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो दूसरा डायोड, दूसरा जो एप्लीकेशन है भाई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यहाँ से बहुत सुंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसे कहा जाता है फोटो डायोड में, इसे कहा जाता है फोटो डायोड। तो बिल्कुल रिवर्स में हो जाएगा जो प्रोसेस है। फोटो डायोड मतलब एक ऐसा डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो सिंबल लाइट का उल्टा कर दिया भाई, अब की बार लाइट देनी नहीं है, अब की बार लाइट क्या करनी है भाई, लेनी है इससे।
अब की बार लाइट क्या करनी है, लेनी है इससे, और लाइट लेने के बाद ये करंट में कन्वर्ट करेगा उसे, और फिर इससे करंट फ्लो होगा, और क्या एप्लीकेशन होगी देखते हैं। तो फोटोडायोड इज अ डिवाइस, फोटोडायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड बाय लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल that converts light energy into electrical energy and specially used in reverse bias और रिवर्स बायस में इसे स्पेशली यूज करेंगे हम। ये इसकी बड़ी खास बात है। हमें पहली बात, ये काम किस तरह से करता है भाई, ये वर्किंग किस तरह की है इस पर, तो पहली बात तो ये था, सिंबल को रब कर देता हूँ। डेफिनेशन आपने समझी है इसकी कि भाई एक पीएन जंक्शन डायोड है, एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसे रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जा रहा है। तो एक तरफ ये पी टाइप है और एक तरफ ये एन टाइप है, और भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मेजॉरिटी में है और यहाँ पर होल्स काफ़ी मेजॉरिटी में है, लेकिन रिवर्स बायस में वोल्टेज लगा दी है। तो रिवर्स बायस में वोल्टेज लगा दी है इस तरह से, तो रिवर्स बायस में वोल्टेज लगा दी है और यहाँ पर नेगेटिव, पी को नेगेटिव पे कन्वर्ट कर दिया गया है, एन को पॉजिटिव पर कन्वर्ट कर दिया गया है, एक माइक्रो एम्पियर लगाया गया, माइक्रो एमीटर में करंट होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आपने पढ़ा है कि जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन से दूर जाते हैं और सर्किट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई करंट नहीं होता, बट बहुत ही स्मॉल करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, जो कि माइक्रो एम्पियर में होगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कुछ करंट होता है, तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगाया है करंट को कंट्रोल करने के लिए, एक रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पर क्या था भाई कि यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण थोड़ा बहुत करंट है, ना के बराबर एक करंट है भाई, तो ना के बराबर करंट है यहाँ पर। यहाँ पर वोल्ट में पोटेंशियल को लिया गया है और यहाँ पर ऊपर करंट मिली एम्पियर में होगा, लेकिन मैं फॉरवर्ड बायस की बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर करंट माइक्रो एम्पियर में है और मैं माइक्रो एम्पियर में करंट की बात करने वाला हूँ, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट बहुत ही कम होता है और माइक्रो एम्पियर में होता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण थोड़ा बहुत करंट इस सर्किट में होगा, जो बहुत ही कम होता है, उसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। लेकिन जब एक ऐसी लाइट जंक्शन पर इंसिडेंट कराई जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट होनी चाहिए, यानी आपने ड्यूल नेचर में जो पढ़ा है कि किसी मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, अब हम कंडक्शन बैंड में भेजने वगैरह की इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे, बस आप ये देखिए, याद करिए कि किसी सब्सटेंस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसमें वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट।
अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगी, इसलिए सफिशियंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो यहां पर लाइट है, यहां पर लाइट ऑफ सफिशियंट फ्रीक्वेंसी है, लाइट ऑफ सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पर आई है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब आएगी, जब तक ये लाइट इंसिडेंट नहीं करा रहा था तब तक यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ना के बराबर करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, माइक्रो एम्पियर में है, बहुत कम है। लेकिन जब ये लाइट इंसिडेंट होगी इस जंक्शन पर, जब जंक्शन पर लाइट इंसिडेंट होगी, यहां पर इस जंक्शन पर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जब पेयर बनेंगे तो में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एकदम से इंक्रीज होंगे। भाई भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स तो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, होल्स दूर जा रहे हैं मेजॉरिटी वाले, लेकिन इस पी के अंदर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस एन के अंदर माइनॉरिटी में होल्स हैं, और उनके लिए ये बैटरी बहुत अच्छे तरह से लगी हुई है और माइनॉरिटी वाले जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, इसलिए कुछ करंट था, लेकिन जब ये लाइट इंसिडेंट कराऊंगा इस पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर जनरेट होंगे इस जंक्शन पर, सिलिकॉन के बहुत सारे बॉन्ड्स टूटेंगे और उन बॉन्ड्स के टूटने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर बनेंगे और एकदम से चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे। तो इस जंक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो ये इधर P से इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी में है वो N की तरफ जा रहे थे और N में जो होल्स माइनॉरिटी में है वो इस तरफ जा रहे थे। तो जंक्शन पर जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर बनेंगे इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बनेंगे थर्मल एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा, होल इधर की तरफ भागेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में एकदम से नंबर डेंसिटी बढ़ गई है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आ गए हैं जंक्शन में जो मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और एकदम से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाला करंट था वो इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी यहाँ लाइट की उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स बनेंगे, उतना ज्यादा करंट ज्यादा होगा और दो अलग अलग लाइट के सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा फोटोडायोड। फोटोडायोड लाइट को लेकर क्या कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। भाई लाइट आने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे ये लाइट पर डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हुए इससे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे ये बात लाइट पे डिपेंड करती है, और अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट आएंगी तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स बनेंगे, नंबरिंग चेंज होगी जिससे करंट चेंज होगा, और लाइट में जो वेरिएशंस आएंगे वैसे ही वेरिएशंस करंट में आएंगे, और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ये फोटोडायोड। फायर अलार्म सिस्टम होते हैं इसी पर बेस्ड होते हैं, फायर अलार्म सिस्टम रिवर्स बायस में इस तरह से लगाया गया सर्किट को, ना के बराबर करंट होता है, लेकिन जब कभी आग लग जाती है या स्मोक कर रहा होता है कोई तो उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर जनरेट होते हैं, करंट इंक्रीज होता है और अलार्म बजने लगता है। तो गैस इस तरह से समझिएगा इस बात को कि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण थोड़ा बहुत करंट था और लाइट जब इंसिडेंट होगी तो उस करंट में चेंजेस आएंगे, तो फोटोडायोड जो होता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। ये ग्राफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि करंट इंक्रीज होता है, भाई आप ड्यूल नेचर वाले उसको याद करिए, ये यहाँ पर रिवर्स में करंट, इसलिए ग्राफ नीचे बन गया, वरना मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाता था ड्यूल नेचर में,
कि जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट का ग्राफ भी ज्यादा होगा वोल्टेज और करंट में। एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाते थे ना फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड सेम फ्रीक्वेंसीज। तो ये आई वन इंटेंसिटी थी लाइट की, तब ये ग्राफ आया। अगर इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होगी तो ये करंट भी ज्यादा होगा। तो आई टू इंटेंसिटी, यहां पर आई टू इंटेंसिटी ज्यादा है आई वन इंटेंसिटी से, ज्यादा इंटेंसिटी पर ज्यादा करंट होगा। तो ज्यादा इंटेंसिटी पर ज्यादा करंट होगा, इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट बढ़ रहा है। तो ये फोटोडायोड लाइट को, लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। भाई आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा, अभी तक जो पढ़ाया है उसमें आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ फोटोडायोड। एक फोटोडायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसे स्पेशली फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो लाइट के प्रति सेंसिटिव है, लाइट इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, तो एक ऐसे फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, खास तौर पर सिलिकॉन से मैंने इसे बनाया है। तो ये रिवर्स बायस में ही क्यों यूज किया जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई इसकी। तो एक तो एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, तो इट कैन कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आपसे पूछा जाएगा क्या इसका यूज है। तो ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो हमने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ी है, ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट सिग्नल आएगा उस लाइट सिग्नल को दूसरे एंड पर फोटोडायोड का यूज कर करंट सिग्नल में बदला जा सकेगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वाई फोटोडायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, वाई फोटोडायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड while the forward bias current is more than reverse bias current। भाई आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दे दिया गया कि हमें क्या करना था, हमें लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे लाइट से करंट प्रोड्यूस करना है, तो फॉरवर्ड बायस में भी ये काम किया जा सकता था। फॉरवर्ड बायस में लगा था तो फॉरवर्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण सर्किट में करंट होता, जब लाइट इंसिडेंट कराता जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल्स के और पेयर्स जनरेट होते और करंट और इंक्रीज हो जाता। तो फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होता है, फिर भी फोटोडायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों यूज किया जाएगा, जबकि रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है और फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर्स में होता है। फॉरवर्ड बायस का करंट ज्यादा होता है, रिवर्स बायस का करंट कम होता है, फिर भी ऐसा क्यों है कि हम फोटोडायोड को रिवर्स बायस में ही यूज करते हैं? तो इसके लिए पहली बात तो आप ये जान लीजिए, मुझे लाइट के दो सिग्नल्स में क्या जानना है, डिफरेंस जानना है। लाइट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो फिर करंट में भी चेंजेस लाने हैं, इस तरह से कि लाइट के दो अलग अलग सिग्नल को डिफरेंशिएट किया जा सके, समझा जा सके कि क्या डिफरेंस है उनके अंदर। जब फॉरवर्ड बायस में फोटोडायोड होगा या रिवर्स बायस में होगा, कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो कर रहा था। दोनों केस में जब लाइट आकर इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर जनरेट करेगी, दोनों में सेम जनरेट करेगी, क्योंकि लाइट दोनों में सेम डाल रहा हूं, तो मेजॉरिटी वाले में 100 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए और 100 होल्स प्रोड्यूस हुए, तो माइनॉरिटी मतलब रिवर्स बायस में भी इतना ही हुआ है। तो मैंने दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट किए हैं, तो ऐसा करने पर जो देखिए मेजॉरिटी में, पहले यहां पर समझते हैं इस तरह से, इस बात को इस तरह से समझा जाएगा कि अगर मैं बात करूं एक फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, मान लीजिए एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करता हूं,
तो एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है किसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, यानी होल्स मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है इसके अंदर। यानी जो होल्स के कारण करंट होगा वो ज्यादा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण कम होगा वो कम होगा इसके अंदर इस तरह से। ऐसे ही एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और होल्स माइनॉरिटी में है। अब इन इस होल्स के कारण कुछ करंट फ्लो हो रहा है, जब फॉरवर्ड बायस में लगाया गया तो होल्स के कारण कुछ करंट फ्लो हो रहा है किसके अंदर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, होल्स मेजॉरिटी में है। तो जब जब लाइट इंसिडेंट होगी तो जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उतने ही होल्स प्रोड्यूस होंगे, ये तो पक्की बात है। लाइट इंसिडेंट कराने पर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उतने ही होल्स प्रोड्यूस होंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आया उतना ही होल्स में चेंज आया, जितना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में चेंज आया उतना ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में चेंज आया। अब फ्रैक्शनल चेंज किसमें ज्यादा आया, नंबर ऑफ होल्स कितने आए, डेल्टा एन लिखा मैंने, नंबर ऑफ होल्स पहले कितने थे, NH थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोड्यूस हुए, डेल्टा एन ई लिखा मैंने, और होल्स पहले कितने थे, एन ई। दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, लाइट इंसिडेंट होने पर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं उतने ही होल्स प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी इस सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स ज्यादा थे और इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन जो है वो छोटी है और ये जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई करंट जो था वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ज्यादा है फॉरवर्ड बायस में, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो होगा रिवर्स बायस में उससे काफी ज्यादा होता है फॉरवर्ड करंट। लेकिन बात इसकी नहीं है कि कितना करंट है, बात इसकी है कि जब लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है तो करंट में चेंज कितना आता है परसेंट में, 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ तो ये परसेंटेज बन गई है, और परसेंटेज चेंज जो आएगा वो ज्यादा आएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में। मैं फिर एग्जांपल से बताता हूं भाई, देखिएगा। मान लीजिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट कितना है, 1 मिली एंपियर, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कितना है, 0.1 मिली एंपियर। तो मान लिया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट कितना है, 1 मिली एंपियर, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट कितना होगा, 0.1। कम क्यों होगा, क्योंकि माइनॉरिटी वाले कम है मेजॉरिटी से। अब जब लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट इंसिडेंट होने पर मान लीजिए 0.1 का इंक्रीमेंट हो जाता है करंट में, तो मेजॉरिटी वालों का करंट 1.1 हो जाएगा और जबकि माइनॉरिटी वालों का करंट 0.2 हो जाएगा। 0.1 मिली एम्पियर का करंट में इंक्रीमेंट हुआ है लाइट के इंसिडेंट होने पर, तो माइनॉरिटी वाला 0.1 से 0.2 हो गया, मेजॉरिटी वाला 1 से 1.1 हो गया। चेंज की बात करूं ये 0.1 से डबल हो गया है, तो इसमें 100% चेंज आया है। ये 1 से 1.1 हो गया है तो इसमें 10% का चेंज आया है। दोनों में सेम चेंज आया बट परसेंट के अकॉर्डिंग ये देखिए कि अगर माइनॉरिटी फॉरवर्ड बायस में लगाता मैं इस पीएन जंक्शन डायोड को तो 1 एम्पियर का करंट था, और जब लाइट इंसिडेंट होगी तो और ज्यादा चार्ज कैरियर्स आएंगे और ये 1.1 हो जाएगा, 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जबकि मैंने रिवर्स बायस में इस डायोड को लगाया, 0.1 मिली एम्पियर का करंट कम है करंट मान लिया मैंने, क्योंकि भाई वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है, लेकिन जब लाइट इंसिडेंट होगी और इसमें और चार्ज कैरियर्स आएंगे तो सीधा इस करंट को जो इंक्रीमेंट होगा वो ज्यादा दिखाई देगा, वो 0.1 से 0.2 हो गया, यानी एक तरह से डबल हो गया करंट। और जब डबल हो गया है करंट
तो दो करंट के बीच में डिफरेंस है, एमिटर अच्छे से बताएगा, अच्छी रीडिंग्स आएंगी आपकी, और दो लाइट के सिग्नल्स में अच्छी तरह से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो फॉरवर्ड बायस में करंट की वैल्यू ज्यादा होने के बाद भी, फॉरवर्ड बायस में करंट की वैल्यू ज्यादा होने के बाद भी मैं फोटोडायोड को रिवर्स बायस में प्रीफर करूंगा, बिकॉज जो फ्रैक्शनल चेंज, और जवाब इसलिए ये लिखेंगे कि द फ्रैक्शनल चेंज, यहां पर लिखिएगा जवाब इस तरह से, द फ्रैक्शनल चेंज इन, द फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, द फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, द फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मोर, द फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मोर इन रिवर्स बायस देन इन फॉरवर्ड बायस, देन इन फॉरवर्ड बायस। तो जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, जो परसेंट में चेंज जानना चाहते हैं, इज मोर इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स देन इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मोर इन रिवर्स बायस देन इन फॉरवर्ड, देन के बाद भैया से लिखिए कि द फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मोर देन इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। भाई तो ये लिखिए सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जो चेंज आ रहा है ना चार्ज कैरियर्स में, लाइट इंसिडेंट कराने पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में ज्यादा चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, इसीलिए मैं फोटोडायोड को रिवर्स बायस में प्रिफर करता हूं, और इस ऐसा करने पर ये लाइट्स के सिग्नल्स में अच्छे से डिफरेंस बता पाएगा, तो अच्छे से डिफरेंस बता पाएगा, इसलिए मैं फोटोडायोड को रिवर्स बायस में प्रिफर करता हूं। तो ये आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, तो आप इसका इस तरह से जवाब दीजिएगा। लास्ट एप्लीकेशन फोटोडायोड की जो होगी उसे कहते हैं सोलर सेल में, उसे कहा जाता है सोलर सेल। सोलर सेल किस तरह का डिवाइस है, ये भी लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो लिख लीजिए सोलर सेल इज अ डिवाइस, सोलर सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सोलर सेल का यूज सैटेलाइट्स में भी किया जाता है ताकि सैटेलाइट्स को एनर्जी मिलती रहे और वो स्पेस में अर्थ के या किसी प्लेनेट के अराउंड घूमते रहे और एनर्जी मिलती रहे काम करने के लिए। और ऐसा करने के लिए क्या किया गया है, एक पीएन जंक्शन बनाया गया है इस तरह से, तो एक पीएन जंक्शन बनाया गया है इस तरह से, और पी को बहुत ही थिन रखा गया है इस तरह से, तो पी को बहुत ही थिन रखा गया है इस तरह से, तो बहुत ही थिन रखा गया है पी को यहां पर, तो ये ऊपर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है भाई, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, और ये इनके बीच में जंक्शन है बहुत ही बारीक बनाया गया है, और ये इसके बाद एन टाइप है इस तरह से, तो इस तरह से पी टाइप का सेमीकंडक्टर है ऊपर, और नीचे ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और पी टाइप और एन टाइप के बीच में जंक्शन है वे इस तरह से, तो ये जंक्शन है यहाँ पर बीच में, इस तरह से जंक्शन बनाया गया है, तो पी और एन के बीच में ये जंक्शन बनाया गया इस तरह से। भाई ऊपर पी को भी और नीचे एन को भी मेटल की लेयर दी गई है, मेटल कॉन्टैक्ट दिया गया है, मतलब ऊपर पी टाइप के सेमीकंडक्टर पर इस तरह से मेटल को लगाया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी ना हो गई यहाँ पर, तो ये मेटल का कॉन्टैक्ट दिया गया है यहाँ पर, मेटल कॉन्टैक्ट दिया गया है यहाँ पर भी मेटल का कॉन्टैक्ट दिया गया है इस तरह से, तो ये मेटल लगाया गया है यहाँ पर ताकि कंडक्शन भी अच्छी हो, और यहाँ पर भी इस तरह से मेटल की लेयर दी गई है एन टाइप के सेमीकंडक्टर को भी इस तरह से। तो इस तरह से पहले सिंपल ये एक जंक्शन के बारे में सोचिए, ये एक पीएन जंक्शन है, ऊपर पी टाइप का सेमीकंडक्टर, फिर नीचे एन टाइप का
कंडक्टर सॉरी, और बीच में उनके पी एन जंक्शन है यहाँ पर। तो बीच में इनके ये पी एन जंक्शन है यहाँ पर, और ऊपर मेटल की लेयर, नीचे मेटल की लेयर दी गई है किस तरह से। जब लाइट पी को इतना थिन रखा गया है, पी को इतना थिन रखा गया है कि जब यहां पर क्या होगा, फोटोन आकर इंसिडेंट होगा। फोटोन जब आता है, फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है और जो बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए, यानी लाइट ऑफ सफिशियंट फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो जब लाइट यहां पर आएगी सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की और इस जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब जनरेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होंगे वो एन रीजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस एन के अंदर डोनर होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव लेयर बन जाती है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर होते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर होते हैं, नेगेटिव आयंस हो जाता है, और एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो जंक्शन पर जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट यानी एन की तरफ इकट्ठे होने लगेंगे, होल्स पी की तरफ इकट्ठे होने लगेंगे। तो एक तरफ होल्स बढ़ते जाएंगे और एक तरफ क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और इसीलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो ये ओ है यहां पर पॉइंट, और वोल्टेज यहां पर भी वोल्टेज है वोल्ट में, और यहां पर आई करंट है इस तरह से। तो करंट को रखा गया यहां पर और यहां पर वोल्ट को रखा गया। तो जब लाइट गिरती रहेगी इस जंक्शन पर, तो इस जंक्शन पर लाइट जब गिरती रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स जनरेट करती रहेगी, और जो एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बैरियर पोटेंशियल के बीच में, याद करिएगा, ना ध्यान आए तो पेज पलटकर देखिएगा पी एन जंक्शन को, जो पी एन जंक्शन बना रहे थे तो एन वाली साइड पर इमोबाइल पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो गए थे, पी वाली साइड पर इमोबाइल नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए थे, पोटेंशियल का एक बैरियर क्रिएट हो गया था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई थी। तो उस जंक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट यानी एन की तरफ जाएंगे, होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इसलिए वो पी की तरफ जाएंगे, और पी के अंदर बहुत होल्स इकट्ठे होने लगेंगे और एन की तरफ बहुत इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने लगेंगे, और एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये पोटेंशियल यहां पर कुछ वैल्यू पर पहुंच जाएगा और इसे कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, इसे कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कहेंगे इसे, ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू है कि काफी हाई पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, ओपन सर्किट है जब ये इस तरह से। और ओपन सर्किट का मतलब ये है कि यहां पर ये पी जो है इस पर बहुत सारे होल्स क्रिएट हो गए हैं, तो ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, और इससे एक वायर को अगर आपने एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, और दूसरे एंड नेगेटिव एन पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं एन साइड पर, वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करोगे पी और एन के इसे एक 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 पाथ दोगे, वायर से कनेक्ट करोगे, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जाने लगेंगे सर्किट के थ्रू, और इसीलिए पी से यानी पी से एन की तरफ एक करंट फ्लो करने लगेगा। आई एल लिख दिया है मैंने इसमें, मतलब लोड रेजिस्टेंस में जो करंट गया ये लोड रेजिस्टेंस है। अगर यहां मैंने एक बैटरी लगाई होती तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये इस बैटरी को चार्ज करता, और ऐसा ही हो रहा है जब कभी हम सोलर पैनल लगवा रहे हैं। तो जो सोलर पैनल अक्सर स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन्स पे, या हम अपने घर में भी लगवा सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई रहती हैं, तो दिन में लाइट एनर्जी लेते वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स के पेयर्स जनरेट कर वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और
और उस लाइट से वो जो करंट फ्लो होगा सर्किट में बैटरी को चार्ज करेगा और बाद में ऑटोमेटिकली बैटरी आपको फिर वो करंट देगी और लाइट या दूसरे अप्लायंसेस उससे चलाए जा सकते हैं। तो ये सोलर सेल की बात कर रहे थे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब तक ये सर्किट मैंने क्लोज नहीं की थी, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने अगर ये सर्किट क्लोज नहीं की थी तो काफी हाई पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया था पी और एन में, उसे कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। जब मैं इस सर्किट को क्लोज करता हूं तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक करंट फ्लो होने लगता है और इस करंट की वैल्यू को कहते हैं क्लोज सर्किट करंट। तो ओपन सर्किट वोल्टेज और क्लोज सर्किट करंट को डिनोट करेंगे हम इस तरह से ग्राफ पर, और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, और ये एक सोलर सेल की वर्किंग है इस तरह से। तो थैंक्स गाइस, इतनी ही बातें इस चैप्टर के अंदर जाननी थी हमें इस बार, और इतनी ही बातें हमें जाननी थी सिलेबस में इस बार। और मैं आपके लिए 18 तारीख से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल लाइव क्लास के साथ और रिकॉर्डेड क्लास के साथ, मोस्टली लाइव क्लासेस रहेंगे इसके अंदर। सभी बच्चे रेडी हो जाएं, मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में बात करें और मुझे बताएं कि सभी साथ साथ चलकर खत्म कर चुके हैं इसे, और रिवीजन में सभी एक साथ आएं। दो दिन का समय मैंने इसीलिए रखा है कि कुछ बच्चे हो सकते हैं एक दो लेक्चर पीछे चल रहे हो, तो वो बराबर आएं और 18 तारीख से रिवीजन क्लास में साथ में आएं। हम इससे आगे रिवीजन में कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट करूंगा मैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, टेस्ट हैं, बहुत कुछ है आपके साथ, डाउट क्लासेस भी होंगी। तो कंटिन्यू करें रिवीजन क्लास के साथ 18 तारीख से। आइए एक बार फिर पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और बहुत बढ़िया रिवीजन टेस्ट के साथ खत्म करेंगे। थैंक्स गाइस।